तो हेलो गाइस, की हाल चाल, राम राम, वेलकम टू न्यू वीडियो। सो आज आपका जो वीडियो होगा अपना वो मिक्स होने वाला हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे कि तू इंग्लिश में वीडियो बनाया क्या, क्योंकि अपने सब्सक्राइबर्स जो है थोड़े बाहर की पब्लिक भी हैं। सो इट्स गोना कंप्लीटली मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, एंड यस आखिर में अपना गिम्बल आ गया। तो मेरा थोड़ा कंफ्यूजन था, लाइक आई वाज फीलिंग सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन, लाइक व्हिच गिम्बल शुड आई बाय, अ DJI और अ EasyGo और Digitec। सो आई हैव चेक फॉर फ्यू फीचर्स विच वॉज रियली गुड फॉर मी, और जो फीचर्स में मेरे को काफ़ी पसंद है वो EasyGo में थे, बाकी उसमें और DJI महंगा था। DJI वॉज लाइक 10,000 का था, लाइक ये अपने को 6,500 में मिल गया, कहाँ 10,000, कहाँ 6,500। सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बोलूँगा वेस्ट यू नो लाइक टाइम एंड ऑल दोस थिंग, एंड लेट्स गेट दिस स्टार्टेड विद द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस स्टफ। सो देयर वी गो। सो भाई प्लास्टिक के रैपर में आया था, इट वॉज पैक्ड इन अ प्लास्टिक रैप जो मैंने निकाल दिया था, तो उसमें को चेक करना था कि भाई डैमेज तो है नहीं, एंड उसके चक्कर में मैंने निकाल दिया था, बट इट्स ऑल गुड। अनबॉक्सिंग ओपन करते हैं, सो लेट्स डू इट। इट्स अ सिंपल एंड ईजी वे, भैया आराम से निकालो, स्टेडी हैंड फॉर द शेकी वर्ल्ड, समझ रहे हो। सो यू गेट अ पाउच, एक पोटली मिलती है पैसे वैसे रखने के लिए, रखो, कोई मैं आऊँगा चुराने के लिए कभी, जोक सफाई। सो यू गेट अ पाउच, नाइस फोम, नॉट थिक एज हर बट इट्स ओके, और यू गेट अ प्लास्टिक ट्राईपॉड, छोटू सा अपने को ट्राईपॉड मिल जाता है गिम्बल को अटैच करने के लिए विद रबर ग्रिप, ऐसा मतलब हिले नहीं, मतलब यू वंस यू प्लेस योर गिम्बल ऑन दिस थिंग इट वोंट मूव, सो इट्स अ रियली गुड थिंग that they have given us. We got a type C cable, type A to type C cable, which is like sasti wali hogi bhai, chalo koi baat nahi, and we got our gimbal over here. It's good, it's heavy and nice. So there are few things I really like about this gimbal, because it's kind of heavy, but it does come with two magnetic attachment, wherein as you can attach some magnetic lights, a cheap one or expensive one, whichever you got, and it's come with a removable battery, so you can just remove the battery. It's a lithium battery which is of 3200 mAh, 3200 mAh battery, and it does come with a manual. Well, usually I don't read it, but we do need to, you know, like check this stuff out because of those configuration and the button key settings and have those things. So for the button settings and stuff, we do need to check it out. And yahan pe access button hai, record button, power button, and a small display. सो मैं पहले इसको चालू कर लेता हूँ, थोड़ी सेटिंग्स कर लेता हूँ, एंड वंस आई सेट इट अप आई विल लेट यू नो हाउ थिंग्स वर्क एंड लेट यू नो विद दिस फंक्शनलिटी ऑफ दिस थिंग। बस जैसे अपन नॉर्मल गिम्बल पर चीज़ें अटैच करते हैं, सेंटर इसको आपको थोड़ा सेंटर में रखना है फ़ोन, कि बटन प्रेस ना हो, सेंटर पर रखना है, ये ऑटोमेटिक थोड़ा एक्सेल हैंडल हो जाएगा, और आपको ये जो होता है पावर बटन उसको दबा के रखनी है, यहाँ पर लोगो आ जाता है इजी का चालू हो गया, एंड ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। अभी एक चीज़ दिखा देता हूँ इसकी स्क्रीन पे, ये PF मोड पे पैन फॉलोइंग, जैसे ही मतलब अगर आप जहाँ पे एक्सेल अपना कर रहे हो वहाँ पे आपका फ़ोन का कैमरा मूव होता है, इट्स अ रियली गुड थिंग। ऐसे दिखा देता हूँ, ये सही है, मूव होता है। सो दूसरी फंक्शनलिटी आती है, सेकंड फंक्शनलिटी यू कैन से वुड बी जस्ट नीड टू प्रेस द बटन, इट चेंज टू फुल फ्लैज मोड, इट कम इज द कम्प्लीट गोज इन फुल फ्लेक्सी मोड, यू नो, एंड it's a lock mode, so you need to use the access wherein how you need to, you know, set the stuff and everything, so you can use this access to set it off. I suggest you to download the EasyGo app, download it from their official website, or you does get an scanner over here, you know, like you can just download it from there. Okay, it's okay, I'm getting notification, just need to click on pair and we are good to go. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसमें यहाँ पे आप बटन आ जाते हैं, यहाँ पे चेक करके आप इसकी सेटिंग्स चेक कर सकते हो, एंटी शेक ऑप्शन होगा, और ग्रिड में चालू करके रखता हूँ, क्योंकि भाई अपने को चेक करना है कि भाई अपना व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू कैसा आ रहा है, कि भाई अपनी चीज़ें सेंटर में है नहीं है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ एंटी शेक और ग्रिड व्यू पहले चालू कर लियो अपने इसके लिए। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे 1080p 60fps, मतलब मेरे फ़ोन में 30fps सपोर्ट करता है, तो मैं 1080p 30fps में मैंने रखा है। फिर अपना होम में इसकी सेटिंग वेटिंग सारी आ जाती है, तो स्टार्ट यूज़ पे आप क्लिक कर, स्टार्ट यूज़ पे करके डायरेक्ट टू कैमरा में मैं चले कर लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है टाइम लैप्स का ऑप्शन आ जाता है, ट्रैजेडिक टू आ जाता है कि जहाँ पे आप मल्टीपल अट्रैक्शन हो गया, या फिर आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एक फिर टाइम स्किप, भाई 2 सेकंड रिकॉर्ड कर ली फिर टाइम स्किप कर रहे, फिर 2 सेकंड रिकॉर्ड कर ली फिर टाइम स्किप कर रहे, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। फिर आता है वीडियो ऑप्शन, फोटो ऑप्शन, पैनोरामा,
हिचकॉक मेरे को पता नहीं क्योंकि मैंने अभी तक ये साइड मतलब अभी तो अनबॉक्स क्या है भाई, अपन थोड़ी अपडेट वीडियो बना देंगे। ये हिच नाम भी कैसे रखता है भाई। इंसेप्शन मोड है काफ़ी सही है और मूव्स मोड है, ये बेसिकली एक मूवी की तरह आपको बताता है कि आपको कैसे शूट करना है, क्योंकि मैं बिगनर हूँ तो मैं तो पहले सारे कैमरा मूवमेंट्स एंड वो सब मैं इसी से करने वाला हूँ, चेक करने के लिए भाई सेटिंग्स कैसे होने वाली है और चीज़ें कैसे चलने वाली है भाई। ये अगर आप सोलो व्लॉगर हो, आप मोस्टली अकेले ट्रैवल करते हो, तो भाई हैंड गेस्चर भाई पैन मोड चालू कर देना है, पैन फॉलो, उसके बाद आप हैंड गेस्चर्स यूज़ कर सकते हो। पहला गेस्चर है फोटो टू वीडियो स्विच करने का, दूसरा ऑप्शन आ जाता है काउंटडाउन वाला ऑप्शन, तो चलो वो सही है काफ़ी, देख लो स्विच टू फोटो एंड वीडियो काउंटडाउन टू 3 सेकंड स्टार्ट रिकॉर्डिंग, वही पाम गेस्चर काफ़ी सही है। और ये दूसरा वाला ओके वाला गेस्चर है फेस ट्रैकिंग, यहाँ पे देखो फेस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ये मैं चालू करता हूँ, अरे तेरी तो यस, और यहाँ पर मैंने फेस ट्रैकिंग चालू कर दिया। तो दूसरी रीज़न ये आ जाती है कि फेस बॉडी ऑब्जेक्ट और फॉलो अप विथ अदर एप्स, ये तो अपन कभी कभार किए तो किए बट मोस्टली फेस एंड बॉडी है, तो अपन इसको भी ट्राई आउट करेंगे। मैंने चेक किया था बीच में मतलब दोस्त के इसमें और भाई काफ़ी सही है, उसके इसमें से फेस ऑप्शन था, फेस ट्रैकिंग का ऑप्शन था फेस फॉलो मोड, तो भाई वो काफ़ी सही था, तो मेरे को लगा कि चलो अपन इसमें यही फीचर्स की वजह से आवाज़ लाइक कि चलो कर लेते हैं। और तीसरी फीचर तो मैंने बता दी भाई, बैटरी रिमूवल है। मैं कह रहा था कि अगर आपके पास बैटरी का ऑप्शन है जुगाड़ करने का, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे आकाश कहते आकाश के पास लिथियम बैटरी चार्ज करने का एक चार्जर है, यहाँ मैं कहीं पे भी डाल दूंगा उसकी स्नैप, तो वैसा आप चार्जर ले सकते हो विद लिथियम बैटरीज। वो चार्जर अराउंड 200 रुपीज़ का था और लिथियम बैटरी अराउंड 150 की आती है, तो चार बैटरी ले लो यार, आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, गिम्बल लेके जा रहे हो, गिम्बल भी चार्ज कर लो साथ में, चार बैटरी चार्ज कर सकते हो, क्या ही चाहिए, कहाँ बार बार गिम्बल की चार्ज करते बैठोगे, फुल चार्ज बैटरी होगी, पोर्टेबल चार्जर है, पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हो उसको, नहीं हुआ बैटरी निकालो आपके गिम्बल में डालो एंड शुरू हो जाओ। तो भैया इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, जो अपना ये मतलब ऐसा पाम दिखाएंगे तो उसमें रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, अपन अभी ट्राई करते हैं फेस ट्रैकिंग का। आई होप फेस ट्रैकिंग चल जानी चाहिए क्योंकि यार एंड्रॉयड में चल नहीं रही थी, मेरी शक्ल दिखाई नहीं रहता, और आई गेस फेस ट्रैकिंग चालू हो चुकी है, एक्चुअली में चालू हो चुकी है, तो आई गेस बंटी आ जा, शक्ल ही नहीं डिटेक्ट कर रहा यार मेरी, हाँ अब करिए शक्ल डिटेक्ट, हाँ अब सही है, मेरी शक्ल डिटेक्ट कर ली, अभी मैं देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे वहाँ पे मूव हो रहा हूँ, हाँ मतलब मूव हो रहा है इज्जत में, लवली आईफोन इसलिए भाई मतलब मैं आईफोन प्रीफर करता हूँ, जबकि अपनी अपनी चॉइस है, बच्चे तो सही है। तो इसमें फेस में मेरे को एक्चुअली ये बैक कैमरा से भी होता है, मैंने कल ट्राई किया था बैक कैमरा से भी हुआ था एंड इट वाज रियली गुड, बट अभी मैं अकेले कर रहा हूँ, कल मेरे साथ में मेरा दोस्त था तो हमने कर लिया था, बट अभी मेरे को लग रहा है रिग्रेट फील हो रहा है भाई, उसको रुकाया क्यों नहीं और मैंने तभी वीडियो शूट करी क्यों नहीं, मतलब इसका टाइमिंग काफ़ी अच्छा है, मैं जितना दूर जा रहा हूँ आई गेस हाँ चलो ओके, मतलब डिस्टेंस पे जा रहा हूँ आई गेस मैं कम से कम यू कैन से भाई 8-9 फीट दूर, यहाँ से देखते हैं ट्रैक हो रहा है क्या भाई, ऑलमोस्ट 10 फीट पकड़ लो, 10 फीट से ट्रैक कर रहा है, हाँ भाई ट्रैकिंग अच्छी कर लेता है। इसमें बॉडी ट्रैकिंग भी है तो मैं पहले फेस कैम ट्रैकिंग बंद करूँ, पहले अपन वीडियो रिकॉर्ड करें, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, हाँ वीडियो नॉर्मली चालू कर ली मैंने, आई गेस मैंने पाम गेस्चर चालू नहीं कर रखे थे, बट बॉडी ट्रैकिंग चल रही है काफ़ी अच्छी और मैं फटाफट चल रहा हूँ तो भी ये रिकॉर्ड कर रहा है, इट्स रिकॉर्डिंग रियली गुड, और मैं और डिस्टेंस पे जाके देखता हूँ, रिकॉर्ड पता नहीं करता, मतलब ब्रो लिटरली ये 15 फीट की डिस्टेंस होगा, 15 फीट की डिस्टेंस पे भी मतलब रनिंग में भी रिकॉर्ड कर रहा था, ये भाई ये काफ़ी सही चीज़ है, रनिंग में भी इजीली रिकॉर्ड कर रहा है भाई, ट्रैकिंग यहाँ भाई, अच्छा बॉडी ट्रैक कर रहा है, सॉरी माय बैड, मेरी गलती है, पहले बॉडी ट्रैकिंग में भी मैं बकचोदी कर रहा था, बट हाँ ट्रैकिंग ये कर रही है एकदम अच्छा भाई। अगर मान लो कोई बंदा सोलो व्लॉग है उसको नॉर्मली चीज़ें शूट करनी है, फिर राइडिंग कर रहा है मतलब ये गिम्बल के साथ में, तो ओहो हो क्या स्वाद आ जाएगा, मतलब क्या ट्रैकिंग होगी, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता, स्टॉप कर देता हूँ। तो एक चीज़ मतलब मैंने ट्राईपॉड पे लगा लिया है इसको एंड भाई ये ना मतलब मेरे को ना ऐसे मतलब पता सोचा था कि अगर मान लो कोई बंदा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा भाई इस पर उसके तो मज़े ही आ जाएंगे, बेटा ये है तुम्हारे बहन का चार्मेंडर, आई मीन बल्बासोर,
यहाँ पे ऐसा आएगा बोलेगा ये ज्योग्राफी का चार्मेंडर, मतलब सिखा सकता है यार, मजा आ जाएगा सामने वाले को। बट सही है, मतलब इसकी फीस ट्रेकिंग काफ़ी सही है। बस एक चीज़ मेरे को फटक रही है, मे बी वो इसका फॉर्मवेयर होगा, मेरे को फॉर्मवेयर या कुछ इसके पैम्पलेट्स पे या मैनुअल पे लिखा था, फॉर्मवेयर अपडेट एक बार चेक कर लेना कि क्या है क्या नहीं है, तो वो मैं चेक कर लूँगा। आई होप मेरा फ़ोन गायब। हाँ, जैसा भी आपने चेक किया होगा कि ये ना फेस डिटेक्शन बीच में छोड़ दिया था, तो मेरे को अब वो पता नहीं कि फेस डिटेक्शन ये क्यों छोड़ रहा है, मेरे को शायद एक बार अपडेट करना पड़ेगा। और ये कभी कभी रिकगनाइज, मतलब ऐसे, मतलब मेरा तो शक्ल छोड़ दो, बट डिटेक्शन में जो ये फेस डिटेक्शन जो इसका हो रहा है उसमें टाइम ले रहा है ये, बट जबकि बॉडी डिटेक्शन जो है वो जल्दी से कर लेता। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं इसको ट्राइपॉड से डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद फिर अपन जाते हैं सीधा नीचे और चेकआउट करते हैं कि भाई कैसा है, कैसा वोब्लू वोब्लू हो रहा है, नहीं हो रहा गोब्लू, मतलब मुझसे पहले मैं हाथ से रिकॉर्डिंग करता था तो थोड़ा मतलब वीडियो काफ़ी शेकी फील होती थी और कहीं नहीं अच्छा नहीं लगता था। तो चलिए लेट्स गो। हाँ, तो फेस ट्रैकिंग चालू हो गई है। बंटी इधर है, मैं इधर है। हाँ, तो फेस ट्रैकिंग चल रही है, आई होप मेरी शक्ल दिख रही होगी। अभी इसकी थोड़ी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, मैं यहाँ से अपने गार्डन में जाता हूँ, तो आई होप इसकी स्टेबिलिटी सही रहनी चाहिए क्योंकि वाइड एंगल पे शूट हो रहा है और मेरा रूम थोड़ा मैसी है, तो सॉरी, मेरे को माफ़ करो। तो मतलब अभी ऐसा धीरे धीरे उतरना पड़ता है क्योंकि मेरी सीढ़ियाँ था बड़, मतलब जिस हिसाब से बनाई है लोगों ने ना, काफ़ी गलत बनाई है, बंदा गिर भी सकता है, तो अपने को रिस्क नहीं लेना है। और मैं बैक कैमरा से शूट कर रहा हूँ वीडियो, तो आई होप ये वाकड़ी तिकड़ी नहीं आवे, सही आए। मेरी बटाटे जैसी शक्ल इग्नोर मारो यार, होता है। तो यार गेट बंद कर लिया अपन ने, स्टेबिलिटी आई होप की स्टेबिलिटी सेफ नहीं चाहिए, मैं ही ज़्यादा हिल रहा हूँ बट आई होप चीज़ें स्टेबल रहेंगी। और ये अपना प्यारा सा गार्डन है, इसमें आप देख सकते हो पैन व्यू में, मतलब ये थोड़ा मोटर मेरे को स्लो लग रही है, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर रही चीज़ों पर, बट चलो कोई बात नहीं, गिम्बल है, अपन ज़्यादा ये नहीं करेंगे। और मैं छोटा हैंड जो हैंडल बार है वो कनेक्ट कर लिया, तो इट्स ऑल गुड। और भाई काफ़ी सही है, फेस ट्रैकिंग सही है, मेरे को फेस ट्रैकिंग सही लगी क्योंकि यार अपन कहीं मार्केट में शूट कर रहे हो वीडियो एंड यू आर लाइक कि भाई मेरी शक्ल आ रही है नहीं आ रही कैमरा में या फिर कैसी है, तो ऑटोमेटिक होता है। अगर आप इतनी हाइट पर भी करोगे तो यार दिक्कत ही, बार बार कैमरा एडजस्ट कौन करेगा, मतलब समझ रहे हो। तो भाई मेरे को ये फीचर्स काफ़ी अच्छे लगे और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, भाई मैं भी ये एक्चुअली अभी को रिसेंटली मैंने लिया, तो मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ और कुछ चीज़ मेरे से मिस आउट होगी तो आई एम रियली सॉरी। मैं एक और इसकी बाद में एक और रिव्यू वीडियो डालूंगा जहाँ पे ऑलमोस्ट मैं 2-3 ब्लॉग बना लिए होंगे, तो उसके बाद मैं ये वीडियो एक और पोस्ट कर दूंगा जिसमें मेरा एक्सपीरियंस एंड इसकी जो मतलब मेरे को कई मतलब पता कि कुछ कमियाँ थी, लाइक व्हाट डिड आई लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड लाइक एंड डिसलाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट, आई श्योरली कैन शेयर विद यू गाइस। और रही बात भाई, आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे, कितने का लिया था, क्या लिया था, हाँ मेरे को ये गिम्बल अराउंड आया मुझे 6799, बट मेरे पास 200 रुपीज़ का वाउचर्स था तो वो मैंने क्लेम कर लिया, तो मेरे को ये पड़ा 6599 पे। हाँ, तो ऑलमोस्ट मतलब 6500 का मेरे को गिम्बल पड़ा है, काफ़ी सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी रही, यार आईफोन से शूट हो रहा हूँ। हाँ, और रिकॉर्डिंग के लिए मैं वायरलेस माइक यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने अराउंड 650 का चाइना वाला है, बट ठीक है, सस्ते में जुगाड़ चलता है, तो फिर ये मैंने लिया था। तो अगर अब तक की वीडियो अच्छी लगी तो यार अपना प्यार दिखा देना, लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। ऑलमोस्ट अपने 500 कंप्लीट हो चुके हैं और गिव अवे चल रहा है, मतलब मे बी जब तक वीडियो आएगी तब तक ख़त्म हो चुका होगा अनफॉर्चुनेटली, बट येस। कल मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भाई 1K पे क्या करोगे, तो 1K पे मोस्टली मैं प्लान कर रहा हूँ, बींग अ गेमर मैं 2 या 3 गेम गिव अवे कर दूंगा स्टीम पे। अगर किसी को गेम नहीं चाहिए तो फिर अपन देखते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट वो गिव अवे कर देंगे। सो हमेशा की तरह अपना प्यार दिखाते रहना, टिल देन गाइस बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।